ओके कैमरामैन, जब भी मेरा डायलॉग फ्रीज हो उसके बाद मेरे सुअर के नाक जैसे लिफ्ट को जूम इन जूम आउट करना, ओके? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खलीफा और मैं हूं बिखारिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान। आप देख रहे हैं बिखारिस्तान के सबसे छोटे न्यूज चैनल कोल न्यूज का सबसे बकवास प्रोग्राम। ऐसे ही चलेगा। जैसे मैं चलाऊंगी वैसे ही चलेगा। ठीक है। और एक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कान खोल के सुन लो मोदी, ऐसे ही चलेगा। Not bad. अच्छा नाजरीन, हमारी खुद की पोर की आवाम कहाँ पर अपने जज्बे से जहालियत फैला रही है, हम इस पर बिल्कुल अमल नहीं करेंगे। लेकिन भारत के वजीर आजम मोदी कहाँ पर सांस ले रहे हैं इस पर भी हम बहस करेंगे, क्योंकि जो वो CO2 छोड़ेंगे उसका सी हम अपने खाली दिमाग में रखेंगे और O2 से हम सर्वाइव करेंगे। हर जालिम को मिटाने के लिए कोई ना कोई मसीहा आता है, और उस मसीहा का नाम क्या है? जैसे नरेंद्र मोदी। हमारा सिर्फ एक ही बिजनेस होवे, ट्रांसपोर्ट का। कहाँ का बिजनेस होवे? ट्रांसपोर्ट का। बीच में ना बोड़। जैसे नरेंद्र मोदी का बीच में ना बोड़। अरे माथे पर यो ने लिखिया कि हम चीटर हैं, जैसे थारे माथे पर लिखियो है। केड़ा लिखियो भाई? चीटर। बीच में ना बोड़। जैसे नरेंद्र मोदी। मैं माजरत चाहती हूँ। अब आए ना लाइन पे। तो देखा नाजरीन, हम पूरी तरह डिपेंड है भारत के वजीर आजम मोदी और भारत पर। बात तो सही है। मोदी हक और सच के रास्ते पे खड़े हैं। सच कहने में हिचकिचाते नहीं है। बड़े से बड़े ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। इसी बात पर नाजरीन, POK बनेगा हिंदुस्तान। कान खोल के सुन लो मोदी, आई लव यू, विल यू मैरी मी? नहीं। इसीलिए मैं हर वक्त बोलती हूँ मोदी मोदी मोदी, क्योंकि मेरा दिल आ गया है तुम पर मोदी। टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। मैं हूँ खास चमची अपने मुल्क बिखारिस्तान के वजीरे आजम पद के दावेदार कटोरा खान की। उनको जिताने के लिए मैं कुछ भी करूँगी, भारत के खिलाफ जहर भी उगलूंगी, मोदी के खिलाफ भी जहर उगलूंगी। मगर क्यों? कटोरा खान साहब को जिताने के लिए मैं उनकी चौथी बेगम बनने के लिए भी तैयार हूँ। रहा नहीं जाता आवाज आ रही है? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? फैसल ये चेक करो, इसका क्या मसला है? वहाँ नहीं आ रही आवाज उनको। लाइट ठीक कर दो ना, लाइट। जिनको आवाज आ रही है वो सुने। इमरान खान, आई लव यू। आवाज आ गई है? नहीं तो तुमने इतनी मेरी अहम तकरीर आज मिस कर दे रही थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। इमरान खान, आई लव यू। अच्छा नाजरीन, मुझे आते हैं दोगलेपन के दौरे। कभी मैं भारत के वजीर आजम मोदी से बे इंतहा मोहब्बत करती हूँ, और कभी कभी मैं उनके खिलाफ जहरीली नागिन बनके इतना जहर उगलती हूँ कि मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना कि वो जहर भी अमृत बन जाता है। जहर की प्यार है तेरा चुमा ओ मोदी। वाह क्या सीन है। तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम खीर देंगे।
बड़े नारे लगा लिए, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे, जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर के रख देंगे। इंशाल्लाह, याद रखना मेरे अल्फाज। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। ये विषय है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करके तुमने कश्मीरी इंफरादी हैसियत को खत्म कर दिया। क्या समझते हो तुम खुद को नरेंद्र मोदी? तेरा बाप आया। तो गाइज, ये था फिजा खलीफा का रोस्ट। आपको कैसा लगा, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और मैं कितनी मैच कर रही हूँ फिजा खलीफा से, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। आपने मेरा व्लॉग तो देखा ही होगा, तो पता चल गया होगा। और साथ ही मेरी जो डायलॉग डिलीवरी या फिर वो मतलब किस हद तक मैच की, तो आप जरूर बताना। और हाँ, साथ ही आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो भी बता देना कमेंट में, क्योंकि मेरे पास अभी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा लिखी थी मैंने 10 दिन में, तो ये सिर्फ उसका तीसरा हिस्सा भी नहीं गया है। मेरे पास अभी बहुत कच्चा माल है, क्योंकि जो उसने योगी जी के खिलाफ बोला है, अमित शाह जी के खिलाफ बोला है, तो उनका तो मैंने अभी किया ही नहीं है। मोदी जी का भी मैंने ऐसे समझ लो कि 5% ही किया है, अभी बाकी है, पूरा ही बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और साथ ही अगर उस नायला साइला का भी रोस्ट चाहिए तो मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइब कर दो। मैं जिस दिन 1K हो गए ना, नायला साइला का रोस्ट कर दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम, लव यू ऑल। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा नाजरीन, एक बात और बता दूं, मैं हूँ खत्म यार, एक मिनट, सॉरी सॉरी, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।